गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक विराम चिन्ह की, एक और विराम चिन्ह यानी कि जो आपको ये दर्द बता रहा है कि किस प्रकार कहाँ पर कितना रुकना है। पिछले कुछ मॉड्यूल्स में हमने आपको पूर्ण विराम अल्प विराम को समझाया और हर एक विराम चिन्ह कहीं ना कहीं आपको रुकने की बात बताता है, कहाँ पर कितना ठहराव आपको लेना है। तो यहाँ पर आज जो हम बात करें उप विराम की, यह भी विराम से ही संबंधित है और आपको बता रहा है कि कहाँ पर आपको रुकना है। तो ये उप विराम होता क्या है और इसका प्रयोग किया क्यों जाता है, ये आप ज़्यादातर पाँचवीं छठी कक्षाओं में पहुँचोगे जब इसका प्रयोग करोगे, लेकिन जब आप परिचित होना चाह रहे हो इसीलिए हमने आपको सारे विराम चिन्हों से परिचित करा दिया ताकि आप उनको जाने तो सही सारे विराम चिन्हों को, और जैसे जैसे आपकी कक्षाओं में उनका प्रयोग आता जाएगा आप उनको सीखते जाएंगे, उनका अध्ययन करते जाएंगे, लेकिन कौन सा विराम चिन्ह क्या होता है और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको सारे ही विराम चिन्हों से हम आप परिचित करा रहे हैं। तो आज बात करें उप विराम चिन्ह, तो पहले देख लीजिए उप विराम चिन्ह होता क्या है, उसका निशान कैसा होता है। उप विराम चिन्ह का मतलब होता है ये दो डॉट, जब आप दो डॉट एक साथ लगाते हो, ये दो बिंदियां जब एक साथ लगाते हो तो ये कहलाता है उप विराम चिन्ह। अब इस उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया कब जाता है, शब्दों को अलग अलग दिखाना हो, जब आपको शब्दों को अलग अलग दिखाना हो, अल्प विराम को में ही शब्दों को अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जैसे बहुत सारे शब्द एक साथ लिखे हैं उन्हें अलग नहीं दिखा रहे हैं, जब हम एक वाक्य के अंदर कुछ शब्द को दिखाना चाहते हैं कि ये किस प्रकार के शब्द हैं तब उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, हम निबंध देते हैं विज्ञान के विषय में लिखिए, तो निबंध में हम लिखे विज्ञान अभिशाप या वरदान, अभिशाप या वरदान, यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि आप विज्ञान के बारे में एक निबंध लिखिए, आपका टॉपिक है विज्ञान, अब अभिशाप या वरदान, अभिशाप यानी वो फायदे की चीज है, नुकसान की मतलब बुरी है, अभिशाप है या वरदान के समान अच्छी है यानी कि फायदेमंद है, तो आपको विज्ञान की बुराइयां भी लिखनी है और अच्छाइयां भी लिखनी है। तो यहाँ पर विज्ञान शब्द को लिखना है लेकिन उससे अलग आपने क्या कर दिया, उसके दोनों ही शीर्षक टॉपिक्स को आपको लिखना है, तो इस जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा कई बार आपको उदाहरण लिखने होते हैं, तो आप बोलोगे कि आपने कहा संज्ञा के उदाहरण, आप लिख रहे हो संज्ञा के उदाहरण, अब संज्ञा के उदाहरण करके आपने डॉट लगा दोगे यानी कि ये आपका उपविराम चिन्ह लगा दोगे, यहाँ पर लिख दोगे रवि पुस्तक, ठीक, रवि पुस्तक पतंग गंगा आदि। तो यहाँ पर ये तो अल्प विराम है जो शब्दों को अलग कर रहे हैं, लेकिन संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं, उसकी हेडिंग आपने शीर्षक लिखा और उसको किससे अलग किया, शब्दों से अलग करा, किससे, उप विराम की सहायता से। ये संज्ञा के उदाहरण रवि पुस्तक पतंग गंगा, तो ये उपविराम चिन्ह को आपने लगाया, ये उपविराम हो। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, आप कई बार लिखते हो ना कि नदियों के नाम, नदियों के नाम, अब नाम कौन कौन से हैं, तो डॉट लगा दिया, अब उसके आगे इस यानी डॉट यानी क्या उपविराम चिन्ह लगा दिया, अब इसके सामने उनके नदियों के नाम लिख दो, गंगा यमुना कावेरी और भी कई सारी नदियां हैं, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो ये उपविराम चिन्ह का मतलब ही ये होता है कि जहां पर आपको नाम को अलग करना हो, किसी शब्द को अलग करना हो, तो ये विज्ञान के बारे में आपको बात करनी है उसके इन दोनों पहलुओं पर, तो आपने इसको उपविराम चिन्ह से अलग किया। फिर आपने संज्ञा के उदाहरण है, तो संज्ञा के उदाहरण को हेडिंग के लिए आप इस तरीके से लिखोगे और सामने अलग अलग नाम लिखोगे, तो क्या लगाओगे आप, उपविराम चिन्ह। उसी प्रकार नदियों के नाम लिख रहे हो तो उनके सामने नाम लिखने से पहले आप उपविराम चिन्ह करके उसे अलग कर दोगे, तो उपविराम का काम भी क्या होता है, शब्दों को अलग करके दिखाना। तो ये तो थे कुछ विराम चिन्ह जिनको आपने सीख लिया है, अब हम आपको कराएंगे इनसे जुड़ा कुछ अभ्यास। तो आप इन सारे जिन विराम चिन्हों को हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, उन सारों को कॉपी में लिख लीजिए, उनके चिन्हों को अंकित कर लीजिए कि वो किस प्रकार लिखे जाते हैं और उनसे संबंधित दो दो उदाहरण
कॉपी में लिखबद्ध कीजिए और उनका अध्ययन कीजिए। हम मिलेंगे आपसे आगे के मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।